सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाई, दो बीस्ट सामने खड़ी है, और यहाँ पे है मेरा मैगी MT15 वर्जन 2, और यहाँ पे है BS6 NS200। पूरा लुक देख लो भाई साहब। दोनों बाइकें जो है बहुत सेक्सी लग रहे हैं देखने के लिए भाई। पीछे से तो भाई मेरा मैगी कतई तबाही। ये अभी स्टॉक है, इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। बाकी आज एक जो है छोटा सा ड्रैग रेस होगा दोनों के बीच में। हालांकि मुझे मालूम है मेरा MT पीछे होगा, क्योंकि ये 155 cc का है। बट स्टिल जो भी है, हम ट्राई करेंगे अपना फुल बेस्ट देंगे, मतलब जितना हो सके। बाकी ये 200 cc का है तो ऑब्वियसली आगे निकलेगी। प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये 2 लाख जो है क्रॉस करता है और ये 2 लाख के नीचे होता है। तो देखते हैं, प्राइस का जो है वो इतना हम वो नहीं लगा सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। बट हाँ, VVA है, देखते हैं VVA कितना कुछ हेल्प करेगा और नहीं करेगा। तो लेट्स सी, आगे जो है एक लंबा सा पैच है, वहाँ पे जाके छोटा सा एक ड्रैग रेस करेंगे। चलो NS जो है अपने एक पिलियन के साथ रहेगी, और मैं जो है सिंगल चलाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे जो है 45 cc का एक एडवांटेज है। तो जो भी है देखते हैं। यहाँ से एंटर करना था भाई साहब, कहाँ चल दिए। आगे एक और पैच है, वहां पे देखते हैं। दे रिकॉर्डिंग ऑन है सुनो। NS पीछे भाई मेरा जो है ऑलमोस्ट न्यूट्रल में गया था मेरा भाई। बस जो भी हो भाई साहब, रिकवर हो गया, आगे आया। पानी सिली ने नुआई लीजिए। तो यहाँ से जो है एक और बार खींचेंगे। मुंह न्यूट्रल में फंसी गई। NS पीछे भाई, NS पीछे हो गया, क्यों पता नहीं। अरे डिफरेंस तो आसे ना, मोर ऑलरेडी CC डिफरेंस आसे। सो गाइस, यहाँ पे जो है CC डिफरेंस था, ये फिर से अनफेयर किया मेरे साथ।
इसका वेट था, अभी वो वेट जो है हट गया है। जा बोले दे, ये देखो मेहनत मेहनत दोनों बार भाई, दोनों बार एमटी आ गए। घोड़ा घोड़ा गाइस, यहाँ से तो एक बार फिर से खींचेंगे। रोलिंग 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 रो दे। अभी तो वो सिंगल चला रहा है तब निकल रहा है, ऑब्वियसली उसका पावर इससे बहुत ज्यादा है। भी भाई भाई इंजन से धुआं निकल रहा है ना इसका, ये देखो। अरे ये फटना चाहिए भाई, इंजन से धुआं निकल रहा है ड्रैग रेस के बाद। हालांकि जब ये सिंगल चला रहा था तो आगे निकल गया, बट अभी धुआं निकल रहा है, इसको कुछ नहीं हुआ। कि जब ये दोनों बैठ के चला रहे थे विथ पिलियन तो एमटी निकल रही थी बार बार आगे, बट जब सिंगल चलाया तो ऑब्वियस है भाई इसका पावर ज़्यादा है एमटी से ऑब्वियसली, तो ये आगे निकल गई। बट अभी धुआं निकल रहा है गाइस। अरे ठंडा हो रहे, इसको 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 जो ठंडा होने के लिए रोक देते हैं अभी। सो गाइस, अभी जो है मैं चलाने वाला हूँ पल्सर NS 200। इससे जो है धुआं निकल जाता है तो कोई नहीं। अरे अरे देखो भाई, इसको यहाँ से NS 200 भाई, ये छोटी सी वो मतलब हाइट थोड़ा सा वो हो रहा है, हाइट कम है इसका। हाइट कम है इसका। और यहाँ पे तो है अभी तो गाइस, अभी जो है हम NS 200 चला रहे हैं और बाकी फील मज़ा है इसका भी। बट ये जो है थोड़ा सा अभी यहाँ पे मेरा रील वील शूट हो रहा है, और अगर मुझे आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और ये मेरा मैगी भाई पीछे से क्या स्लीक एंड सेक्सी लग रही है भाई, और मैं चला रहा हूँ NS 200। और बट ये जो है थोड़ा सा मतलब वो है इसका, अभी मुझे थोड़ा सा शॉर्ट फील हो रहा है, शॉर्ट इन द सेंस मतलब छोटी लग रही है हाइट पे, और मेरा उसका हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है और इस बाइक का हाइट थोड़ा सा कम है, क्योंकि मैं 6 फीट का हूँ, मतलब 6.1 फीट का हूँ, तो ऑब्वियस है ये मेरे लिए थोड़ा सा मतलब शॉर्ट फील हो रहा है। बाकी बाइक चलाने का फील भाई बढ़िया है, ये भी बहुत बढ़िया बाइक है। आज जो है पूरा ड्रैग रेस किया उसका, ये एक फन ड्रैग था ऑब्वियसली, कोई हेट मत करना। और मतलब इसका रिजल्ट बोलूँ तो मतलब विथ पिलियन NS नहीं निकल पाई, मैं बार बार निकल रहा था, और जब वो सिंगल हमने ट्राई किया तो ऑब्वियस है इसका पावर बहुत ज़्यादा है इससे, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं बट ज़्यादा है, इसका CC भी ज़्यादा है और पावर भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है वो मतलब NS निकल रही थी बार बार।
और बट एक बात बोलूँ कि प्राइस का, अगर मैं वो बात बोलूँ कि प्राइस डिफरेंस मतलब कहाँ पे दिखा, आप लोगों ने वीडियो में देखा ही कि इतना ड्रैग किया, थोड़े से ड्रैग में इससे धुआं निकलने लगा पूरा हीट होके। बट मेरा बाइक का मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। मेरा बाइक का कुछ भी नहीं हुआ बट इसका बाइक का जो है वो धुआं निकलने लगा था। तो प्राइस डिफरेंस का, प्राइस डिफरेंस मतलब क्यों होता है वो आप लोगों ने देखा, प्राइस डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि हाँ मतलब इंजन का पावर ज़्यादा है, इंजन का सीसी भी ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं वो क्वालिटी मतलब वहाँ पे दिखाई देता है, क्वालिटी का डिफरेंस यहाँ पे दिखाई देता है। बट जो भी हो, F1 रैक था। मैंने इंजन तो फील है, लाइक स्मूथ लगे, स्मूथ लगे साला है। और यहाँ पे गाइस क्लिप्स, ओहो हो हो, एनएस शूट करी से ना, बजे वाले भले गए। हाँ, एनएस ले लो क्या गाइस? एनएस शूट करे भाई, क्लिप बहुत सही आ रहा है मेरा कैमरामैन। और बाकी भाई क्लिप्स बहुत सही आ रहा है, ओहो हो हो, सेक्सी भाई। भाई रील्स वील्स देखना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई। ओ हो हो, सो गाइस ऐसे जो है मेरा वीडियो शूट होता है, मतलब रील्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह, और जो सिनेमेटिक शॉर्ट्स मैं लेता हूँ वो सब जो है ऐसे शूट होता है। और मेरा कैमरा मैन आप देख सकते हो भाई, तो ऐसा ही कुछ है, वैसे ही हम जो है वीडियो शूट करते हैं। और बहुत लोग जो है मुझसे पूछते हैं कि भाई इतना अच्छा क्लिप्स कैसे आते हैं, मतलब क्या यूज़ करते हो, वो देख सकते हो, मेरा आईफोन 14 है और उससे जो है शूट होता है वीडियो। और ऐसा ही कुछ है वीडियो कि हम कैसे शूट करते हैं, वो मैं आज आप लोगों को दिखाई दिया। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बोल ही रहा था कि हाँ इंजन रिफाइनमेंट, यामाहा का मतलब इंजन रिफाइनमेंट ऑब्वियसली भाई बहुत अच्छा है। वो खुद NS200 ओन करता है, बट उसने जो है खुद बोला कि हाँ इसमें रिफाइनमेंट फील हुआ उसको, तो यही है। बाकी बाइक वो भी बहुत बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, वो चलाने के ऊपर डिपेंड करता है और भाई जिसको जो पसंद है। बट वो एक फन रैक था बस, और रिज़ल्ट आप लोगों को मालूम हो गया। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।